जिला इंतजाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पीर को लाहौर में मशरूत तौर पर रैली निकालने की इजाजत दे दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की जानिब से तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीटीआई से हेल्प लेने के बाद रैली की इजाजत दी गई। जिला इंतजाम ने तहरीक इंसाफ को पाबंद किया है कि रैली में अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए फोकल पर्सन और पीटीआई जिम्मेदारान जिला इंतजाम के साथ तआवुन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद दफा 144 के निफाज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर ने अजहर सदीक की वसासत दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के तहाइफ का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। 446 सफात पर मुश्तमिल 2002 से लेकर रवा माह 2023 तक तोशाखाना के तहाइफ का रिकॉर्ड जारी किया गया, जिसमें सदर, वज़ीरे आज़म और वफाकी वज़रा के तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात शामिल है। रवा साल 2023 में मौजूदा हुकूमत ने 59 तहाइफ वसूल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की मौत को ट्रैफिक हादसा करार देते हुए दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की मौत के हकायक छुपाने से मुतल्लिक मुकदमा तफ्तीशी अफसर की मदद में थाना सर्वर रोड में दर्ज किया गया। भारतीय एयरलाइन की तैयारी के दौरान प्रवास मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। जराए के मुताबिक भारत की निजी एयरलाइन की फ्लाइट नई दिल्ली से कतर के दारुल हुकूमत दोहा जा रही थी। दौरान प्रवास मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी। पीएसएल 8 के 30वें मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 86 रन से बआसानी शिकस्त दे दी। लाहौर की कजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कराची किंग्स की जानिब से मोहम्मद इखलाक, अवाद वसीम और तैयब ताहिर ने जिम्मेदाराना खेल पेश किया और कराची की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ नासिर मिन्हास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।